देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर आई हूँ छत पे। आज मौसम भी ख़राब सा हो रहा है दोपहर से, क्योंकि धूप नहीं आई, आज धूप नहीं निकली आज सुबह से। देखिए आपको दिखाऊंगी मैं ऊपर का नज़ारा। ये मुझे बनाना है खाना, खाने में मैंने आटा बना दिया है, रोटियाँ सेकनी है मुझे। देखिए चलती हूँ मैं ऊपर चुबारे पे, वो छत पे आई हूँ। देखिए मौसम का हाल, हमें ये पूल पार करना ही पड़ेगा। देखिए मौसम भी आज खराब हो रहा है। देखिए लाइट आ रही है, देखिए लाइट आ रही है ना। आज मैं चल जाऊंगी अपने घर, फिर क्या कराएगी आज कोलकाता भी तो जाएगा हम। नहीं देखिए आपको नहीं जाना है, मैं आपको छुपा दूंगा। तो वो देखो कौन बताता सुबह रहा। कुर्सी मेरे से मंगवाई, बैठे रील्स बना लग रहे और उनका पूरा पैर दिख रहा चोट भरा। क्या होता भैया के पैर में? बस ऐसी है वे, जब भी आवे चोट को रखे है। अच्छा। सारा गुड्डा उनका देखे चोट से नहीं भरा, अगर एक भी जगह उनकी चोट ना लग रही हो पैर में। चाची जी खाना बना रही है, पनीर की चाची। इधर चाचा जी आए हैं, सब नीचे हैं, हम चुबारे पे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब, आई होप क्या सब अच्छे होंगे। तो सुबह का समय है और घर आ चुका हूँ। अंकित जो है फ्रेश होने के लिए गया है, उसका नाश्ता पानी लेकर आ चुका हूँ। तो आज हमें ये कार्य निपटाना है, अपना पूरा करना है और उसके बाद देखते हैं दूसरा कार्य क्या करते हैं। ये देखिए, क्योंकि गेट में आने जाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये हटाना पड़ेगा, और फिर बल्लियाँ हैं, बल्लियाँ भी देख के कार निकालनी पड़ेगी, और ये फट्टियाँ क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कीले हैं, कीले से बचना पड़ेगा, कीले अंदर ही ठोकनी पड़ेंगे इन बल्लियों में ही। छत जो हमने कल ही तोड़ दिया था अभी, और कल ही इधर सारा ख़त्म कर दिया काम। वो जी अभी देखें ईंटी लगानी शुरू कर देंगे, गगन बैठ कर चट्टे बना हो जाएगा, मैं और अंकित जो है इनको डो जाएंगे। मीठे आता है हमारे के अलग है ना। ये देखे जी कितनी ईटें ढीली हो गई हमारी यहाँ से, कितनी हमने डो दिया बाहर तीनों भाई ने मिलकर। मिल
ये ढोएंगे आज तो मुझे लगे दोपहर तक। और तो सुबह का एक झटका बहुत अच्छा लग चुका है, देखे कितने ईंट हमने उठा दिया यहाँ से। तो गगन गया है पानी पीने के लिए बराबर वहीं, और मैं थोड़े यहाँ पर बैठ कर आराम कर रहा हूँ। अंकित भी पानी पीने लगे गया है और समय हो चुका है 9:30, 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे तक भी बहुत काम निपटा दिया हमने, तो 2 घंटे झटका और मारेंगे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। उसके बाद फिर अपना आराम करेंगे, और पापा जी खाना भी दे करना है, और मेरी आज छुट्टी है, भीमराव अम्बेडकर जयंती आज, इसलिए मेरी छुट्टी आज। देखिए कितना काम हो चुका है, हर कितना दे रहा, काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जितना काम करेंगे उतना बढ़ जा। कल कच्चे कमरे की कड़ी तारी थी ना, तो उससे और काम बढ़ गया, और अभी तो बीम भी उतरना है, ये काम तो भी बहुत ज़्यादा है, तो सहज सहज अपना करो जाएंगे। इससे मजदूरी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मजदूर भी इतने काम करता और हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक मजदूर का काम करेगा, मजदूर तो फिर 3-4 और 3-4 मजदूर यानी कि 1200-1300 रुपये एक दिन के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम तीनों भाई और गेर में से आ जाते हैं, हम लग जाते हैं 4-5 जने हो जाते हैं, तो एक दो दो झटका रोज़ लग जाता है बढ़िया वाला। कुछ देर आराम करने के बाद अब फिर दोबारा से लग गए हैं, ब्रेक रहा पूरे 1/2 घंटे का, तो ब्रेक के बाद अब फिर काम पे लगते हैं अपने। चलो जी, तो मैंने तसलों में ईंटें भरनी शुरू कर दी है, तो हम डाल करते हैं जो ईंटें आधे आधे, 1 घंटा देखते हैं 1 घंटे में और कितना काम होता है। उसके बाद आराम भी करना है, फिर धूप कैट हो जाएगी, लेकिन धूप तो खैर आज मौसम थोड़ा हल्का है, ज़्यादा कड़ी धूप नहीं है। तो अंदर थोड़ा सा मलबा निकालने के बाद कुछ बड़ी बड़ी ईंटें निकली हैं, तो उनका गगन चट्टा बना रहे हैं और वे हम लगा रहे हैं। पिताजी भी आए हैं बताने के लिए, और नंदू भी आई है। नंदू कल लेना थे, अरे नंदू ईंटें ढोती का है, ईंटें ढोते का बात हो रही, दस्तन पर रही लाओ दे दो, मुझे लाओ लाओ ए दे दो ला दे ला दे, देख 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 मुझे काम कर लेने दे, मैं काम कर रहा। नंदूवाल का सुतर चुका है, और ये जो है ईंट धरने के लिए आई है, धर दो बस, दूर से फेंक नहीं रही, उतार धर रही बस। चलो चलो भाई चलो, अपने आप ही चलेगी, भाग भाग के ही डोरी, नंदू की सहायता पूरी हो रही। यो ये तो रहन दे, ए बस बस ये तो रहन दे, जैसे कंकड़ ठग चल पड़ी ला दे मई गिर खाओगी, गिर खाओ आग क्या मई गिर खाओगी, गिर दो यहाँ से, गिर दो बस 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 बस, यहाँ तो दिखे इधर से, इधर से इधर को हो गया, भैया को दे दो, भैया को दे दो, गिर देंगे बस। चलो जरा सी कंकड़ उठा कर लाई, हाँ चलो 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 बस, पिताजी के अलावा बैठ जाएगा क्या भैया, चाबी वो गगन बाइक लेकर आ रहा, बाइक पर जाइयो, नंदू भी चल दी, पिताजी भी और गगन भी, हमें ये ईंटें लगानी है, कुछ ईंटें हैं उस पर लगा देंगे टिल्ले पे, फिर चलेंगे हम भी। अच्छा गेरता है नंदू, चलो भाई पकड़े, ये देखिए जी ईंटों का चट्टा हमने लगा दिया है, मैंने और गगन ने, और मैंने और अंकित ईंटों का चट्टा लगा दिया है, यहाँ पर जो अभी ईंट पड़ी थी वो मैंने लगा दिया ऊपर,
तो ये रह गई, ये बाद में लगाएंगे क्योंकि यहाँ से लगाएंगे एक चट्टा। दोस्तों गुड इवनिंग, शाम का समय है और चाय पी ली हमने भी, मैंने भी, और चलते हैं घर की ओर। अंकित उठ चुका है, गगन भी उठने वाला है, वो भी लेट रहा है, इधर से चलिए। अरविंद देखिए शाम का समय है, 6 बज रहे हैं, मैं आई हूँ छत पे, छत पे बनाना है मुझे खाना। खाने में बना रही हूँ मैं आज टमाटर प्याज की चटनी, हरी प्याज है देखिए, टमाटर और हरी मिर्च, इधर प्याज धरी है कि बनाती हूँ आज मैं चटनी। चटनी बहुत अच्छी लगती है प्याज की और टमाटरों की। काट दूँ टमाटर, कढ़ाई मैंने डाल दिया है गैस पे जला के, मैंने प्याज भी काट दी है और टमाटर भी, इसमें हरी मिर्ची है। ये भिंडी बनाती हूँ मैं, छोंकती हूँ चटनी। तेल डाल दूँ इसमें कढ़ाई में, जीरा डाल दिया है, मसाले डालती हूँ, प्याज भी डालती है देखो। चटनी में टमाटर प्याज की और हरी मिर्च की, ये मिर्च ऐसे ढकना है, चटनी और बन गई है।